बचपन से मिले हुए संस्कार मां गुजरी के सानिध्य में जो संस्कार जो सानिध्य प्राप्त हुआ, दो पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह दीवारों में चिल्लिए जाते हैं लेकिन कहीं उफ तक नहीं करते, धर्म की रक्षा करनी है। और अब वही बलिदान की प्रेरणा हम सबको आज भी विपरीत परिस्थितियों में जूझने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, यह सच है, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर संकट आया है, कौन नहीं जानता है कि पश्चिम से आने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए पंजाब हमेशा एक दीवार बनकर के खड़ा होता रहा है। और मैं तो अभी देख रहा था तमांग की घटना को लेकर के, 9 दिसंबर के दिन मैंने पूछा, मैंने कभी वहां पे ऐसी स्थितियां थी कैसे वहां पर भारतीय सेना बहुत चीन पर हावी होगी, तो बताया गया कि वहां पे हमारे सिख रेजिमेंट से जुड़े हुए जवान थे, एक एक जवान दो दो चीनियों को अपने दबाता था और फिर उनके कायदे से तुड़ाई करके फिर वहां से भेजता था। ये है शौर्य, ये है पराक्रम, और मुझे लगता है कि हम सबको इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी स्तर पर प्रयास हो सकते हैं उस पर हम सबको सामूहिक रूप से अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। आज के इस अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों को, जिन्होंने सरहिंद की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दिया, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि देश के इतिहास में बाल दिवस के रूप में घोषित किया। मैं लखनऊ और गोरखपुर के गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े पदाधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि बाल दिवस के इस कार्यक्रम के लिए बार बार आग्रह करते रहे, ये दिवस होना ही चाहिए, और हम लोगों ने आयोजन यहां प्रारंभ किया, उसकी गूंज देश और दुनिया के अंदर सुनाई देने लग गई और परिणाम हम सबके सामने है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में इस आयोजन का शुभारंभ किया, हम सबको यहां इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और आप देखना पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर एक होड़ लगेगी कि बाल दिवस का वास्तविक आयोजन कौन सा होगा, वह वही होगा जो साहबजादों के बलिदान दिवस का दिन है। और यही वास्तविक इतिहास है, यही वास्तविक इतिहास भी है, और इस वास्तविक इतिहास के साथ हम सबको जुड़ने का आनंद प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबको, यह हमारा सौभाग्य है, लखनऊ का यहायागंज गुरुद्वारा तो गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने संस्कृति विभाग से इस बारे में कहा है कि गुरु परंपरा से जुड़े हुए उन गुरुद्वारों को चिन्हित करें, उनकी कनेक्टिविटी को, उनके आसपास के क्षेत्रफल क्षेत्र को सुंदरीकरण और उसके विस्तार के लिए क्या कार्यक्रम बन सकते हैं, हमें एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। नगर निगम ने यहां पर पार्क की स्थापना के लिए जो कार्यक्रम किए हैं उससे जुड़ी हुई जो भी समस्या होगी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी यहां पर हैं, आप उनको ये जिम्मेदारी दें, परविंदर सिंह यहां पर हैं, इनको ये जिम्मेदारी दें, बताएं कि लोग शासन के संज्ञान में सारी चीजों को लें, सारी बाधाएं कोई भी चीज आज के दिन पर अपनी गुरु परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, साहबजादों को उनके अनुरूप सम्मान देने के लिए कोई भी चीज बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है, उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग हर स्तर पर उसमें सहयोग करने को तैयार हैं। आज यहां पर हम सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार चार साहबजादों का के प्रति नमन करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर
प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से साहबजादा दिवस के अवसर पर, बाल दिवस के अवसर पर बाबा अजीत सिंह जी को, बाबा जुझारू सिंह जी को, बाबा जोरावर सिंह जी को और बाबा फतेह सिंह जी को एक बार फिर से नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से नमन करते हुए, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके हितों के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए हर प्रकार से तत्पर होकर के कार्य करेगी, कार्य कर रही है, कार्य करेगी और डबल इंजन की सरकार को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कहीं कोई समस्या हमारे सामने नहीं है। इस विश्वास के साथ आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका एक बार फिर से यहां पर अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।